भाई फिर से वापसी। और आप लोग बुल्लोगे कहाँ गायब लगे पड़े हुए हैं। तो भाई काफी दिनों से व्लॉग व्लॉग नहीं बना रहा था आपका भाई। अवेश भाई भी आज हमारे साथ है। अवेश भाई क्यों नहीं बना रहा था मैं ईद की शॉपिंग में बिजी थे और आज शॉपिंग नहीं, बस दो वजूहत हैं जिनकी वजह से व्लॉग नहीं बना रहा था। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से डिसाइड हो गया था आपका भाई, और कुछ एक और वजूहत है वो फिलहाल बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? शूज लेने। शूज लेने ईद के लिए। ईद के लिए जूते वैसे तो मैंने ले लिए हैं। आपके भाई के अंदर ना एक जूतों का क्या कहते हैं शूज लवर, वो आपका भाई शुरू से भाई। अभी हम जा रहे हैं शूज लेने और वहीं चलते हैं। अभी पहले सबसे पहले जाते हैं अपने एक दोस्त के पास, उसको उठाना है घर से, उसको चमाटे चमाटे करा के बिठाना है बाइक पे। मनुस है वो थोड़ा सही बोला है ना? हाँ बिल्कुल, लेना सिर्फ मुझे जूता है जा रहा है, ये भी है और वो भी है। मैं नहीं लूंगा क्या? मेरी ईद नहीं है। अबे भाई मैं नहीं दिला रहा तुम्हें, अरे ईद तो 25 दिसंबर को आती है ना भाई, क्यों आती है? मुसलमान है भाई। तो भाई खैर फिलहाल ये सब एक मजाक, तो चलते हैं से अपने दोस्त के पास, वहाँ पे चल के लेते हैं फटाफट से जूता। जूते जो दुकान चलते हैं, जूता वूता लेते हैं। तो आ जाओ, बनकर क्या हो गया? ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे ये सब फिलहाल, ये बात आके आपसे करते हैं घर के ऊपर। सही है भाई, तो आ जाओ। तो भाई हम पहुँच चुके हैं मार्केट, और ये जिसका हमें इंतजार था हमारा दोस्त आ चुका है। और अवेश भाई, ये रहे अवेश भाई, फिर आज खरीद लोगे ना सारे जूते? हेलो पुलिस, मैं दिला दूँ फिर पैसे बच गए अगर। अबे बेटा रहन दो, सामने मार्केट है भाई, और ये सीक्रेट रास्ता है हम लोग का। तो मैं भी आ चुका हूँ, ये नहीं समझता कि मैं नहीं। तो चलते अंदर मार्केट में, चल के मिलते हैं दो धरती के बोझ। गजब बेइज्जती है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। झूठ तो बोलो नहीं, तुम्हें तो लेना ही नहीं था। शाबाश बेटा। और आप बताओ, आपको समझ आ रहा है? मैं पहले मुझे तुम्हें दिलाने, अब तुम्हें ऑरेंज वाला समझ आ रहा है? बहुत है भाई, बोला ये कुछ सही लग रहा है। कमेंट में तो आप लोग से पूछ नहीं सकता कि बात बहुत सारे लगे। बस रख दो, बंद कर दो भाई, क्या ब्लॉग के अंदर ही खरीद लोगे क्या? ले रहे राय ले रहे, पैसे नहीं दिए अभी तक, हम देख रहे हैं अभी तक, हमें समझ नहीं आया। अवेश भाई समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो एक समझ आया था उसमें, ये दोनों भाई बोल रहे हैं वो जरा हम लोग थोड़े समझ लो ना, वो बार्गेनिंग कर लेते हैं वाला गुस्सा में। बाकी जरा इतने सारे लगे हुए ये सब देख रहे हैं। 5G पहनोगे? 5G क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल 4G पहन लूंगा यार तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हें मैं ये दिला देता हूँ। नहीं यार मजेदार नहीं लग रहा। बाकी ये तो बस एक रैंडमली ले रहा हूँ मैं, बाकी और भी लेने, एक जोड़ी तो ले चुका हूँ पहले, दिखाया नहीं मैंने। तो मिलते हैं जब आपको ले ले, जब जूता पसंद कर लेता हूँ, पसंद नहीं चल रही है हमारी। 1 minute later जो लेने आया था, ये हमारे दोस्त भाई कपड़ों में घुस गए, कपड़े शपड़े देख रहे हैं इधर फुल ना। भाई जूते लेने हैं, जूते मैंने कपड़े ले लिए हैं। कौन क्या लेने गया? टिकटाकर अवेश भाई, ये आर्मी आर्मी बन जाओ तुम्हें फटाफट से। तो भाई यहाँ से चलते हैं, जूते ही देखते हैं। नहीं नहीं सिर्फ शर्ट ही है और जूते, ये बोलो ना यार जूते लेने हैं बस। तो जूते हमें कोई समझ ही नहीं आ रहे हैं भाई, एक से बढ़कर एक आए हैं। यहाँ से तो हम बाल जा रहे हैं, यहाँ पे थर्ड क्लास जूता है, एक नंबर के गरीबों की मार्केट में। फोर क्लास किस तरह के आए? अरे यार तेरी तरह के आए यार। अबे बेटा तेरा मुंह देख लो और जूतों का मुंह देख लो, एक ही है। अभी हम जा रहे हैं कहीं और, दूसरी मार्केट, वहाँ पे फटाफट से पसंद करते हैं तो दिखाते हैं। अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा मजबूरन मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा वो लेंगे। क्या बोलते हो जाएगा भाई? और आप टिक यार, टिक वाला एक मैं ले चुका हूँ नाइक का ना, तो ले रहे हो फिर दूसरा? बस ले रहे हैं, मोहब्बत है तुम्हारा। 10 minutes later हम आ चुके हैं मिलेनियम की साइड पे, इधर देख। तो भाई कहानी का सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुंच गए मॉल के अंदर, जहां से हम पहले जूते लेते थे, हमने वो दुकान वहीं पर ही गए विज़िट करी, और रश अल्लाह माफ़ करे कि भाई ऐसा लगा था फ्री बट रहा है, या आपके सामने लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, बस पता नहीं आवाम पागल हुई भी हमारी, बस अल्लाह ही हाफिज़ है सबका। बाकी खैर हम लोग जा रहे हैं शूज़ लेने, तो आप लोग भी चलें, जहाँ से हम पहले लेते हैं वहीं से लेने जा रहे हैं, तो आ जाओ। हम आ गए हैं यहाँ पे दूसरे मॉल के अंदर, यहाँ पे हम देख रहे हैं जूते, और ये गरीब खड़ा हो गया है, गरीब खतरा खड़ा हो गया अच्छी जगह पे। नहीं हूँ भाई मैं, भाई और ये ऊपर शीशा लगा हुआ है भाई। भाई अभी हम जा रहे हैं जूते देखने, अगर यहाँ पे भी पसंद नहीं आया तो जाए भाई मैं आपको मारूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है,
समझ लो आप पिटोगे यहाँ पे, पहले बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ सही से तमीज से खड़े हो ना लिफ्ट में, खुद भी गिरोगे तो भाई रहने दो लिफ्ट नहीं है। एक बात बताओ, उसको इसको कहते हैं एक्सीलेटर, थोड़ा अगर पढ़ ले ना स्कूल से तो आज मेरा नाम रोशन करते थे तुम भाई। सब 100 आ चुके। एक बात, हमें जूते पसंद नहीं आ रहे, उसके लिए अब हम थोड़ी सर्चिंग करते हैं, ब्लॉग बनाएंगे थोड़ी देर बाद। सही है भैया। One eternity later. तो भाई ये शॉप से जो बराबर में थी, यहाँ से हमने अभी अभी शूज़ परचेज कर लिया था। बस सीन कुछ ऐसा था कि ज़्यादा व्लॉग श्लॉग बना पा नहीं पाए, वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कराची या पाकिस्तान है इधर यही होता है कि भाई हमारी वीडियो नहीं बनाओ, ये नहीं बनाओ, वो नहीं बनाओ। खैर फिर हम घूमते घुमाते बाहर निकले और ये मेरे दो दोस्त, आवारा दोस्त पीछे आ रहे हैं, इनको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये बालों में हाथ मार रहे हैं लड़कियों की वैसे। बाकी खैर हम लोग फिर जा रहे हैं घर की तरफ, और हमने जूता ले लिया था भाई। और जूता लेने के बाद अब मैं आपको घर पे चल के दिखाता हूँ कैसा जूता लिया था। और वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ कि ये देखो, ये तो हाथ भी ला रहा है। तो भाई मैं घर आके फटाफट से सो गया था, और आप लोग के लिए माजरत, मार्केट के अंदर बड़ी गंदी खुआरी हुई है हमारी। हम यहाँ गए, फिर वहाँ गए, जो हमें चाहिए था वो आखिरकार हमें मिल ही गया, और इसके अंदर है वो। तो पहले जाके आप लोग जूता चेक करो, उसके बाद में सारी बातें करेंगे। और असल में क्या हुआ, मैं आया लेट, इतना हो गया था, मैं सो गया, फिर मैं शहरी में उठा, फिर मैंने बोला तो आ जाओ आपको दिखाते हैं खजाना। चेक करो भाई, ये आ गया आपके भाई का नाइकी एयर मैक्स, और इसकी जो लुक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जूता वूता आ गया आपके भाई का, चेक कर दो फिर। तो आप लोग कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है आपको जूता। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जूते के खातिर एक लाइक कर दो भाई, लाइक तो बनता है ना यार बॉस। तो भाई अब आप करते हैं, हम बात करते हैं सारी के वो, कि इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था के। और ये भाई ये देख लो भाई, ये ऐसा है कुछ, सही लग रहा है। आप लोग को कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है, और ईद में पहनने के बाद मेरा कैसा लगेगा। तो ये बंद कर दिया अपने जूते का बॉक्स। तो भाई इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, इतने दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, मैं थोड़ा बिजी था, और कुछ लोगों की वजह से मैं थोड़ा रिसार्ड हो गया था, आप लोग समझ सकते हो। और बाकी सारी बातें ये हैं कि मैं बिजी इसलिए था कि व्लॉगिंग आप लोग मेरे लिए बहुत मैटर करते हो, आप लोग मेरी फैमिली हो। बस ये है कि यार थोड़ा थोड़ा बहुत जो है, मैं काम वाम में फंसा हुआ था अपने, वहाँ से जैसे ही फारिग हुआ मैंने बोला व्लॉग बनता है भाई। और मेरी ईद की शॉपिंग भी समझ लो ऐसी होती है, बस दोस्तों को डाया निकल गया, वो तो ईद की शॉपिंग मैंने कर ली थी, आपको दिखा नहीं पाया, मैंने इतनी अड़ाई दबली में करी थी, और ईद में रह गए 2 दिन। तो एडवांस में अगर आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक, वैसे तो अभी बहुत टाइम, यानी चांद रात मुबारक, चांद रात को आएगा शायद ये ब्लॉग। ईद की शॉपिंग भी नहीं करवाई। तो बेटा तुम्हें उठाया ही हमने नाले से था, तुम्हें क्या बताया, तुम्हें बहते हुए जा रहे थे बारिश में, मैंने बोला वो देखो शाली शाली पे ना कपड़ा शपड़ा मारने के लिए, समझ रहे हो, वाला सीन है इसका। बाकी इस व्लॉग को ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, बाकी काफ़ी दिनों बाद व्लॉगिंग करता हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है मेरे तकरीबन। तुम्हें 20-30 रुपये पकड़ा देंगे यार, क्या हो गया यार, अबे 20-30 पकड़ा देंगे बहुत है यार। तो इस अबे 10-20 रुपये मेरे कहने का मतलब ये है बेटा। तो भाई इस व्लॉग को ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। सीन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चलो शार्ट हो। और आप सबको मेरी तरफ से, और मेरे इजी पैसा अकाउंट, जैस कैश अकाउंट सब बना हुआ है, उसके ऊपर भी अगर आपको ईजी भिजवानी हो तो भिजवा देना, मसला नहीं है भाई, समझ लो। और खैर मजा आ गए, तो चलो शार्ट हो।